हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह ने कहा कि चीन के साथ यदि जंग होती है तो वे इस युद्ध में मोर्चे पर जाने को तैयार हैं। मंडी में एक बैठक के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत में चीन के साथ चल रहे तनाव व खूनी संघर्ष के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे पूर्व सैनिक हैं, 1969 में सेना में भर्ती हुए थे। उस समय पाकिस्तान के साथ जंग हुई तो उनकी नो डोगरा कमांड अग्रिम मोर्चा पर थी। उन्होंने पाकिस्तान के साथ जंग लड़ी थी और उन्हें गर्व है कि पाकिस्तान को उस लड़ाई में मुंह की खानी पड़ी थी। अब उनकी उम्र 71 वर्ष हो गई है, मगर वे इस उम्र में भी देश के पहले मंत्री होंगे जो युद्ध मोर्चे पर जाना चाहेंगे। जल शक्ति मंत्रालय संभाल रहे महेंद्र सिंह ने कहा कि मैं दूसरी लड़ाई लड़ना चाहूंगा और एक पूर्व सैनिक के रूप में मोर्चे पर जाने को तैयार हूं। फिर से रणभूमि में जाना चाहता हूं। चीन के साथ तनाव को लेकर महेंद्र सिंह ने कहा कि जो भी हुआ है वे दुखदायी है, निंदनीय है। शहीद हुए सैनिकों को वे नमन करते हैं, उन्हें देश के सैनिकों पर गर्व है। दुनिया में भारतीय सेना सर्वश्रेष्ठ है, किसी भी देश की सेना इतनी सक्षम नहीं है। सेना ने अपनी सीमा में रहकर काम किया है, मगर चीन ने जो किया वे निंदनीय है। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री व गृह मंत्री ने इसे गंभीरता से लिया है, भारत के रुख को स्पष्ट भी कर दिया है। प्रधानमंत्री ने भी चेता दिया है कि हमारे सैनिकों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री के इस कथन का मतलब साफ तौर पर समझ में आ जाना चाहिए। महेंद्र सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सीमाएं भी चीन के अधिपत्य वाले तिब्बत के साथ लगती हैं। लाहौल स्पीति व किन्नौर जिले इसके साथ सटे हुए हैं। वहां के लोगों के हौसले बुलंद हैं। सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। उन्होंने कहा कि चीन को अपनी भूल का खामियाजा भुगतना होगा। भारतीय सेना ने अपने क्षेत्र में रहकर काम किया है। जिस प्रकार की घटना घटी है और मैं तो एक पूर्व सैनिक होने के नाते मैं अपने आप को ऑफर कर रहा हूं कि 71 साल हो तुम देना कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनी तो मैं हिमाचल प्रदेश का पहला मंत्री हूं जो दोबारा से दूसरी लड़ाई लड़ना चाहूंगा, सहयोग अपने देश के लिए लड़ना चाहूंगा। और भगवान देख रहे कि दोनों देशों के बीच में ये जो है खत्म हो जाए। अगर भाई का कुछ ऐसा होता तो एक सैनिक पूर्व सैनिक के रूप में मैं अपने आप को ऑफर कर रहा हूं कि मैं जिस मोर्चे में मुझे चाहिए उस मोर्चे में आज भी जाने के लिए जो है वो हर माता के लिए अपने देश के लिए जो मर्जी करना पड़े उसको करने के लिए तैयार। ना कोई पार्टी बात है, ना कोई क्षेत्र बात है, ना कोई धर्म बात है। यहां तो हम भारतवासी हैं, ये हमारी बॉर्डर लगे भारतवासी हैं। हम उस बात को जहां जो हॉस्पिटल और किन्नौर का जो क्षेत्र है हमारा, जो भी जिसकी हमारी सीमाएं जो है चाइना के साथ लगती है, हमारे वहां के लोगों का हौसला बुलंद है, हमारी सेना के हौसले बुलंद है। हम 71 साल की उम्र में कहते हैं कि हम दोबारा लड़ाई वगैरह ऐसे कुछ ये होता है तो हम उस हालत में उस रणभूमि में उस युद्ध भूमि में दोबारा आज हर भारतवासी जो है वो एक होकर के भारत माता के लिए और दुश्मन को जो सारा सरकार है